विकास खातिर भी गौठी बांधी के तैयार हो जाई। मंच पर विराजमान श्रीमान ओम जी प्रदेश के उत्साही लोकप्रिय नौजवान अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय कलराज मिश्र जी, श्री मनोज सिन्हा जी, अनुप्रिया पटेल जी, सांसद श्रीमान आदित्यनाथ जी, रीता बहुगुणा जी, श्रीमान रमापति जी, रामेश्वर जी, सूर्य प्रताप जी, उपेंद्र शुक्ला जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे यहां के सांसद श्रीमान राजेश पांडे जी, श्रीमान कामेश्वर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, संतोष सिंह जी, जन्मेजय सिंह जी, दारा सिंह जी, विजय दुबे जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, जयप्रकाश जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, जयप्रकाश निषाद जी, भाई पंकज सिंह, महेंद्र यादव जी, श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी, रविंद्र कुशवाहा जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे एक बार फिर आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। 2014 के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में जाने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उस समय मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, यहां कुशीनगर में भी आया था, लेकिन उस समय सभा में इससे आधे लोग भी नहीं आते थे। और माताएं बहनें तो कभी नहीं आती थी। आज इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं, इतनी बड़ी विशाल जनसभा मुझे आशीर्वाद देने आई है। माताएं बहनें भाइयों बहनों, मैं आप सबको सर झुकाकर नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और आपने मुझ पर जो ये विश्वास जताया है, आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से कभी मैं चोट नहीं पहुंचने दूंगा, आंच नहीं आने दूंगा। भाइयों बहनों, हम सालों से सुन करके आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर भारत में गांव, गरीब, किसान, उसके जीवन में अगर हमने बदलाव लाया होता, तो हिंदुस्तान को आज जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, ये मुसीबतें कभी झेलनी नहीं पड़ती। ये हमारा गांव ताकतवर होता, हमारा किसान ताकतवर होता, तो वो हिंदुस्तान की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ होता। और इसलिए भाइयों बहनों,
आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है, ये सरकार पूरी तरह गरीबों को समर्पित है। ये सरकार गांव को समर्पित है। ये सरकार किसानों को समर्पित है। ये सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सभी हमारे समाज के लोगों को समर्पित है, उनका कल्याण करना चाहता है। भाइयों बहनों, यहां गन्ना का किसान कैसी कैसी परेशानियों से गुजरा है, ये कौन नहीं जानता है। चीनी मिले यहां के जीवन के लिए चुनौती बन गई। और राजेश जी कह रहे थे, अगर देने वाला मजबूत है तो मांगने की जरूरत क्या है। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही के जैसा हूं। ये जमाना चला गया जब सरकार में बैठे हुए लोग ये मानते थे कि वो देने वाले बन गए हैं। हम तो सेवक हैं, सेवक आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। आपका कष्ट हमारा कष्ट है। आपकी कठिनाइयों को दूर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। सेवा भाव से करना हमारी जिम्मेवारी है। भाइयों बहनों, अगर देने वाला कोई है तो देशवासी है। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन देने वाली होती है। और आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, मैं तो कर्ज चुकाने आया हूं। भाइयों बहनों, कर्ज चुकाने आया। 2014-15 में गन्ना किसानों का बकाया 22,000 करोड़ रुपया था। भाइयों बहनों, 22,000 करोड़। और लोगों को ऐसी आदत हो गई थी कि भाई इसके बिना ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, इसी से गुजारा कर लो। लोग नाराजगी भी व्यक्त नहीं करते थे, सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करते रहते थे। चीनी मालिकों को कह रहे थे कि जरा भुगतान कर दो। लखनऊ में सरकार को परवाह नहीं होती थी, उसको तो लगता था कि चुनाव आएंगे, कुछ इधर उधर का बांट देंगे तो गाड़ी चल जाएगी। लोग सहने के आदि हो गए थे। जब दिल्ली में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे इतना बड़ा सेवा का अवसर दिया। हमने तय किया कि गन्ना किसानों की चिंता करेंगे। भाइयों बहनों, 2014-15 के 22,000 करोड़ बकाया था, अब शायद मुश्किल से उंगली से गिन सके इतना बचा होगा। बाकी सारी बातें किसान के घर तक पहुंचा दी। मेरे पास चीनी वाले आए थे, वो कह रहे थे साहब दाम कम हो गया है, चीनी का कारखाना चलाना मुश्किल हो गया है, हमें पैकेज दे दो। मैंने कहा पैकेज लेने की आपकी आदत पुरानी है, लेकिन मोदी नया है। मुझे ये पुरानी आदत आती नहीं है। तो पहली मीटिंग में मैंने कहा जो मांगो देने को तैयार हूं, तो बड़े खुश होकर के गए। फिर मैंने धीरे से अफसरों को भेजा और मैंने कहा कि जरा मुझे सूची दो, कौन कौन गन्ने किसान का कितना पैसा बकाया है, उसकी जरा सूची दो। तो चीनी मिल के लोग जरा कांपने लग गए। फिर दोबारा मिलने आए, मैंने कहा पैकेज मिलेगा लेकिन कारखाने के मालिक को नहीं मिलेगा, हमें सूची दे दो,
गन्ना किसान का जो बकाया है सीधा सीधा उसके बैंक अकाउंट में जमा करेंगे, आपको बीच में नहीं आने देंगे। तो वो कहने लगे नहीं नहीं साहब पैकेज नहीं चाहिए, यहां तक कहने लग गए पैकेज नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, सरकार ने फैसला किया गन्ना किसानों का बकाया है उसका पैकेज चीनी मालिकों को नहीं दिया जाएगा, गन्ना किसानों के खाते में जमा होगा और जिन जिन लोगों ने बैंक का खाता खुलवाया उसका तुरंत फायदा उनको मिल गया, उनके खाते में सीधा पैसा जमा हो गया, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आया। भाइयों बहनों, चीनी मिले चले, गन्ना किसान को उसकी मेहनत का पैसा मिले, इसके लिए हमारी भरपूर कोशिश है। लेकिन इसके लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। हमने कदम उठाया कि जब चीनी का दाम कम हो जाता है दुनिया में तो चीनी मिलें बंद हो जाती हैं, चीनी मिलें बंद हो जाए तो गन्ना किसान का गन्ना कोई खरीदता नहीं है, और खरीदता है तो तीन महीने चार महीने के बाद खरीदता है और तब उसका वजन कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है तो किसान तो घाटे में ही चला जाता है, ये खेल चलता रहता है और बेचारा किसान चुपचाप सहन करता रहता है। हमने तय किया अगर दुनिया में चीनी का दाम इधर उधर हो गया तो हम हिंदुस्तान के चीनी के कारखाने में चीनी नहीं बनाएंगे तो इथेनॉल बनाएंगे, इथेनॉल बना करके पेट्रोल डीजल की जगह पर उसको उपयोग करेंगे, गाड़ी चलाने के लिए उसको जलाएंगे, लेकिन किसान का गन्ना नहीं जलने देंगे और चीनी मिलों को इथेनॉल बनाने के लिए मजबूर किया। जिनके पास प्लांट नहीं थे उनको कहा है प्लांट लगाओ, चीनी का दाम गिर जाता है तो चीनी मत बनाओ इथेनॉल बनाओ, और पेट्रोल की जगह पर इथेनॉल उपयोग करो, डीजल की जगह पर इथेनॉल उपयोग करो, लेकिन गन्ने के किसान को मरने नहीं दिया जाएगा, यह काम हमने करके दिखाया। भाइयों बहन, 100 करोड़ लीटर अब तक का हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि भारत ने 100 करोड़ लीटर इथेनॉल बना करके गाड़ियों में उसका उपयोग किया। उसके कारण जो विदेशों से तेल लाना पड़ता है उसमें हम कुछ बचत कर पाए, इधर गन्ना के किसान को भुगतान कर पाए। भाइयों बहनों, समस्याएं आती है लेकिन समस्याओं के रास्ते भी खोजे जा सकते हैं। ये सरकार ऐसी है जो समस्याओं को भी सामना करने के लिए हर पल तैयार रहती है, जनता जनार्दन के साथ खड़े रह करके चलती है। भाइयों बहनों, मैं हमेशा कहता हूं उत्तर प्रदेश का भला तब तक नहीं होगा जब तक उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश उसका विकास नहीं होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए और विकास करने के लिए रेल का काम हो, रोड का काम हो, इसके लिए भारत सरकार अरबों खरबों रुपये लगा रही है। हमारे मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री दिन रात लगे हुए हैं कि रेल में विकास उत्तर प्रदेश में कैसे हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे लाभ मिले, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बीमार हो जाए तो कहां जाए, कब पहुंचे, अच्छी अस्पताल नहीं। भारत सरकार ने निर्णय किया गोरखपुर के अंदर एम्स का अस्पताल लगा देंगे
और उस पूरे इलाके के भाग्य को बदलने के लिए, उनको आरोग्य की सुरक्षा देने के लिए हम काम करेंगे। फर्टिलाइजर का कारखाना, उसको चालू करने का हमने निर्णय किया। एक जमाना था भैया, बहुत बहुत प्यार का, आपका प्यार सर आंखों पर भैया, आप पहले नहीं था क्या? पहले की सरकारों को भी इसका ज्ञान था, कागज पे सब लिखा हुआ है, लेकिन किसान से ज्यादा उनको कारखाने वालों की चिंता थी, और इसलिए कभी उन्होंने यूरिया की इस प्रकार से चिंता नहीं की। हमने 100% यूरिया निम कोटिंग कर दिया, उसके कारण आज किसान को यूरिया मिल रहा है। भाइयों बहनों, हमने किसान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया। आज आप देखते होंगे, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, पेशाब की जांच करवाने के लिए डॉक्टर कहता है, उसका जब तक रिपोर्ट नहीं आता है डॉक्टर दवाई नहीं देता है। वो कहता है पहले पैथोलॉजिकल जांच करवा के लाइए, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लाइए, यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट लाइए, उसके बाद वो दवाई करता है। 500 और 1000 की नोट बंद कर दी, आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? ये काले धन ने बर्बादी लाई है कि नहीं लाई है? ये देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? इस देश को काले धन से मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? किसी ने तो कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? भाइयों बहनों, बीमारी के कारण जब बीमारी दूर करने के लिए दवाइयां देते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? आज मैं देश का आभार व्यक्त करने आया हूं, भगवान बुद्ध की इस धरती से मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यही तो महापुरुष थे जिन्होंने हमें संयम का मार्ग सिखाया है, यही तो महापुरुष है, यही तो महात्मा गांधी की धरती है जिसने हमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सिखाया है। भाइयों बहनों, दूसरों का लूट करके जमा करने वाले लोग क्या कभी किसी का भला करेंगे? हक का पैसा हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन लूट का पैसा मिलना चाहिए क्या? ये सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार ने 8 तारीख को निर्णय किया है, और मैंने देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। पहले दिन मैंने कहा है कि तकलीफ होगी, जो बड़े बड़े हैं उनको बड़ी बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी तकलीफ तो होगी। मेरे भाइयों बहनों, ये देश की जनता को मैं नमन करता हूं, ये लोकतंत्र की ताकत देखिए। कल चीन के अखबारों ने लिखा है कि लोकतंत्र में कोई ऐसा फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अरे उन्हें मालूम नहीं है भारत की जनता की रग रग में ऐसा लोकतंत्र है जो औरों की भलाई सोचता है, अपनी भलाई बाद में सोचता है, और इसलिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद के कारण ऐसा कठोर फैसला करने का साहस होता है। मैं इस बात से सहमत हूं, मैंने पहले दिन से कहा है कि निर्णय सरल नहीं है, उसको लागू करना भी सरल नहीं है। 8 तारीख को ही मैंने कहा था कि 50 दान तकलीफ रहने वाली है। अभी तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
20 दिन हुआ है, अभी 30 दिन बाकी है। सरकार पूरी तरह आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगी हुई है और देशवासियों ने तकलीफ झेल करके भी मेरा साथ दिया है, इसके लिए मैं देशवासियों का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, ये बात सही है। लोग ऐसा समझाते हैं कि हमारे पास नोटे नहीं है तो हम क्या करें। भाइयों बहनों, आप लोग अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे? नहीं गए थे ना? आ गया कि नहीं आ गया? आपको मोबाइल फोन रिचार्ज कैसे करना आ गया कि नहीं आ गया? कितने पैसे भरना, कैसे भरना, कहां भरना, सब आया कि नहीं आया? कोई सिखाने आया था? नहीं आया। भाइयों बहनों, आप व्हाट्सएप करते, व्हाट्सएप यूं यूं करते चला जाता है। कोई सिखाने आया था? कोई पढ़ाने आया था? किसी स्कूल में सीखने गए थे? आपको आया कि नहीं आया? आज भाइयों बहनों, टेक्नोलॉजी इतनी सरल है कि यहां आप लोग फोटो निकालते हैं और यहीं से अपने दोस्तों को फोटो भेज रहे हैं। भेज रहे हो ना? मैं देख रहा हूं सब लोग फोटो निकाल रहे, भेज रहे हो ना? जितनी आसानी से आप अपने मोबाइल फोन से फोटो भेज सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो, अपने मोबाइल फोन का अकाउंट रिचार्ज करा सकते हो, उतनी ही आसानी से बैंक में अगर आपका खाता है, बैंक में अगर आपका पैसा है, तो आप मोबाइल फोन से जो भी खरीदना हो खरीद सकते हो, जो भी लेना हो ले सकते हो। आज आपका मोबाइल फोन, ये आपका मोबाइल फोन, यही आपके बैंक की ब्रांच बन गया है। आपके हथेली में आपकी अपनी बैंक बन गई है। पहले जेब में बटुआ रखना पड़ता था और बटुए में पैसे रखने पड़ते थे। अब जमाना चला गया, बटुए की जरूरत नहीं, आप मोबाइल फोन में ही पैसे होते हैं। दुकानदार के पास जाइए और उसको बताइए कि भाई बताइए, मेरे पास ये बैंक का ऐप है, मैं आपके यहां से 20 रुपये का सामान लेना चाहता हूं, मैं मोबाइल फोन से पैसे दूंगा। वो कहेगा हाँ हाँ दे दीजिए, तुरंत उसके मोबाइल में एक सेकंड में पैसा चला जाएगा, आपको 20 रुपये का माल मिलेगा। भाइयों बहनों, आज हमारे देश में आधे से अधिक लोग जो रेलवे में जाते हैं वो खुद जाकर के पैसे देकर के टिकट नहीं लेते, ऑनलाइन टिकट लेते हैं। उनके पैसे वापस आते हैं तो ऑनलाइन आ जाते हैं। भाइयों बहनों, आज आपने अखबार में एक इश्तहार देखा होगा, एक एडवर्टाइजमेंट आज आपने अखबार में देखा होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह पढ़ें और इसका कटिंग करके हर दुकान पर लगा दे, अखबार से निकाल करके सब लोग इतना काम जरूर करें। और इसमें किस प्रकार से अपने मोबाइल का खाता खोला जाता है उसकी सारी विधि बताई गई है। आपके पैसे आपके हैं, बिना नोट के भी आप इसका खर्च कर सकते हो। भाइयों बहनों, ये नोटों का उपयोग काले धन वाले संग्रह करना चाहते हैं, हम काले धन वालों को सफल होने देना नहीं चाहते हैं, हम भ्रष्टाचारियों को सफल होने देना नहीं चाहते। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आगे के भी उनके रास्ते बंद करने हैं। आज के अंग्रेजी अखबारों में भी इसका एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ है, आज के हिंदी अखबारों में भी ये इश्तहार छपा हुआ है। मेरा आप सबसे आग्रह है, और यहां जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो अखबार से कटिंग निकाल करके हर दुकान के बाहर एक बोर्ड पे लगा दें और ऐसे इश्तहार रोज आते जाएंगे,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऐप है, सरकार की ऐप है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर उस ऐप को डाउनलोड करना है, आपके गांव के मोहल्ले के व्यापारी को डाउनलोड करना है, सीधा आपका पैसा बैंक से चला जाएगा, जो सामान खरीद सकते हैं खरीद सकते हैं, एक रुपये के बिना कोई काम अटकने वाला नहीं है, यह व्यवस्था मौजूद है भाई। और इसलिए मुझे आपसे मदद चाहिए। मेरी विशेष पढ़े लिखे नौजवानों से आग्रह है, सरकारी मुलाजिमों से आग्रह है कि आप भी अपने अड़ोस पड़ोस में जिसके पास भी मोबाइल फोन है उसको जरा सिखाइए कि किस प्रकार से मोबाइल फोन से कारोबार किया जा सकता है। आप देखिए ये जो सारी चर्चाएं हैं आप खुद उसको एक मिनट में बंद करवा सकते हैं। और देशवासियों ने सहयोग दिया है, हमारे पास रास्ते भी है, उस रास्तों पर चलेंगे, देश में कभी भ्रष्टाचार दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा भाई। देश में दोबारा काला धन पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश में नोटें छाप छाप करके ढेर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नोटों के बंडल किसी को बिस्तर के नीचे छिपाने की नौबत नहीं आएगी भाई। भाइयों बहनों, एक तरफ मैं भ्रष्टाचार का, भाइयों बहनों एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काला धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए यह फैसला मैंने लिया, 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है और गरीब का घर बनाना है। 70 साल तक लूटा है, किसान के खेत में पानी पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब की झोपड़ी में बिजली का तार पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। 70 साल तक जो लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है। भाइयों बहनों, ये जो कुछ भी निकलेगा ये सारा का सारा गरीबों की भलाई के काम आने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब हम लूटने नहीं देंगे देश को। और मुझे विश्वास है भाइयों, जिस देश में 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हो वहां पर काला धन का खात्मा संभव है, भ्रष्टाचार का खात्मा संभव है। भाइयों बहनों, देश अच्छी दिशा में जाने के लिए तैयार बैठा है और मुझे विश्वास है कि देश इस महायज्ञ में, ईमानदारी के महायज्ञ में देशवासियों को कष्ट झेल करके भी आहुति देते मैं देख रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में देश इस बात को स्वीकार करेगा कि फैसला कठोर था लेकिन भविष्य उज्जवल है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप गांव के हर दुकानदार को इन अखबार के माध्यम से
कैसे मोबाइल पर उनकी बिजनेस लगाया जा सकता है सिखाइए। आप स्वयं कम से कम 10 परिवार 15 परिवार उनको सिखाइए, बिना पैसे सारा कारोबार चलाने की दिशा में सारी दुनिया चल पड़ी है। हम पीछे रह गए भाइयों, हम पीछे रह गए। अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। आप मुझे बताइए, आप मेरी मदद करेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप मेरी मदद करेंगे? आपके आशीर्वाद रहेंगे? ये परिवर्तन आके रहेगा, भ्रष्टाचार जाके रहेगा, काला धन जाएगा, भाइयों बहनों आपका भविष्य बन जाएगा। आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।